भागलपुर के उर्दू बाजार स्थित मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल में आय से अधिक संपत्ति मामले में आयकर विभाग की टीम के द्वारा छापेमारी की जा रही है, जबकि इसके अलावा मिलिया एजुकेशन ट्रस्ट के अन्य ठिकानों पर भी आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। हालांकि कोई भी अधिकारी कुछ भी कहने से परहेज कर रहे हैं। वहीं इसको लेकर बताया जा रहा है कि आयकर विभाग के 8 सदस्यों की टीम अर्धसैनिक बलों के साथ पटना और झारखंड नंबर की 2 गाड़ियों से बुधवार को मिलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल पहुंची, जहां आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी शुरू कर दी गई। हालांकि इस पूरे मामले में फिलहाल कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, जबकि छापेमारी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही औपचारिक रूप से कुछ भी बयान सामने आने की बात कही जा रही है। बता दें कि मिलिया के संस्थापक असद इनाम की पहचान मुख्य रूप से शिक्षाविद के तौर पर है और पूर्णिया से विधान परिषद चुनाव लड़ने के कारण बनी इनकी सियासी पहचान ने इन्हें चर्चित चेहरा बना दिया है। भागलपुर के नाथनगर अंतर्गत कजरेली थाना क्षेत्र तेतरहार शिव मंदिर के समीप बुधवार की सुबह एक घर में खाना बनाने के क्रम में अचानक सिलेंडर में आग लग गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि ग्रामीण रूपेश यादव के घर में अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिससे घर के साथ आसपास में भी अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं आग लगते ही आसपास के लोगों ने काफ़ी देर तक आग बुझाने की कड़ी मशक्कत की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका और देखते ही देखते आग काफ़ी फैल गई, जबकि सिलेंडर भी ब्लास्ट हो गया। वहीं इस आग की घटना को लेकर महेंद्र यादव ने बताया कि उनके पुत्र रूपेश यादव की पत्नी शिवानी देवी बुधवार की सुबह करीब 6 बजे खाना बना रही थी, तभी अचानक गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिसे शिवानी देवी ने बुझाने का काफ़ी प्रयास किया, लेकिन आग तेजी से फैल गई। महेंद्र यादव ने बताया कि इसके बाद आनन फानन में घर में सोए बच्चों को लेकर वह घर से बाहर निकल गई और आग लगने की जानकारी आसपास के लोगों को दी। वहीं काफ़ी प्रयास के बाद भी ग्रामीणों द्वारा आग नहीं बुझाया जा सका और सिलेंडर ब्लास्ट कर गया, जिससे आग और तेज हो गई। पीड़ित परिवार के सदस्यों का कहना है कि गैस समाप्त होते ही आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन तब तक घर का सारा सामान जलकर राख हो गया था। वहीं इसकी सूचना मिलने पर कजरेली पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवार को समझा बुझाकर शांत कराया। इधर परिजनों ने बताया कि घर में रखा सारा अनाज, कपड़ा, पलंग, गोदरेज, आभूषण और 50,000 रुपये नगद एवं अन्य सारा सामान आग में जलकर खाक हो गया, जबकि इस अगजनी में करीब 5 लाख से अधिक के सामान और रुपए का नुकसान होने की बात कही जा रही है। सिलेंडर सब पकड़े तो हमारे सब निकली गए बाहर, तब तक खरीदलिए तो उधर से आदमी सब अले, मतलब आग पूरा ज्यादा फैली गई। हाँ, फैली गई पूरा ज्यादा सिलेंडर। सिलेंडर में हम घर में सब थे, सिलेंडर को जलाने के लिए गया ना, तो उसमें आग पूरा फैल गया। आपकी पत्नी खाना बना रही थी? पत्नी खाना बना रहा था मेरा। तो फिर क्या हुआ? पूरा आग आदमी सब बुताने लगा तो पूरा सगर आग फैल गया, सब चीज सामान जल गया। सामान में क्षति क्या क्या हुआ है? सोना जरा 2 लाख का कम से कम, 50-60 हज़ार रुपया, 1 लाख रुपया गया, चांदी का 25 रुपया, सब सामान गया, फल वगैरह कपड़ा लत्ता सब नया था। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत किशनपुर एवं करहरिया पंचायत में राज्य सरकार के निर्देश पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। करहरिया पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, DDC कुमार अनुराग, SDO धनंजय कुमार, DSP विधि व्यवस्था गौरव कुमार और DRDA डायरेक्टर सह जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजकुमार प्रसाद समेत कई जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। जनसंवाद कार्यक्रम का संचालन BDO मनोज कुमार मुर्मू और CO अमित राज ने किया। इस दौरान मुखिया पूनम कुमारी एवं जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन समेत अन्य पदाधिकारियों का स्वागत बुके देकर किया। वहीं जिलाधिकारी ने केंद्र और बिहार सरकार के द्वारा संचालित सभी योजनाओं से संबंधित जानकारी ग्रामीणों को दी। इधर कार्यक्रम में मुखिया पूनम देवी, सरपंच महेंद्र शर्मा सहित जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने करहरिया पंचायत में हो रही जनसमस्याओं के निदान के बारे में पदाधिकारियों से जानकारी ली। जनसंवाद कार्यक्रम में राजस्व पदाधिकारी, खाद आपूर्ति पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी, सांख्यिकी पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी समेत कई विभाग के पदाधिकारी सहित जिला एवं प्रखंड के अन्य पदाधिकारी एवं ग्रामीण मौजूद स्थानों पर जाना। इसी कड़ी में आज हम लोग सुल्तानगंज प्रखंड के दूसरे स्थल पर आए हुए हैं। पहला किशनपुर पंचायत में था और आप लोग देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। विभाग के पदाधिकारियों ने भी अपने स्कीम्स के बारे में बताया है, एक वीडियो भी हम लोगों ने चलाया जिसमें सरकार की डिफरेंट स्कीम्स के बारे में जानकारी दी गई है और लोगों ने भी अपने सुझाव दिए हैं। सारी शिकायतों और सुझावों को हम लोगों ने
नोट कर लिया है और जो जिला स्तर पर होगा उसका हम लोग यहाँ से निराकरण कराएंगे, जो मुख्यालय के स्तर पर विभाग के स्तर पर भेजना होगा उसको हम लोग विभाग के स्तर पर भेजेंगे। भारतीय वायुसेना में गरुड़ कमांडो शहीद नीलेश कुमार नयन की शहादत दिवस पर बुधवार को भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत भीरखुर्द पंचायत में श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व भीरखुर्द पंचायत के मुखिया चंदन कुमार ने किया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शहीद नीलेश कुमार नयन के पिता तरुण सिंह, माता बुलबुल देवी, सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल और पूर्व विधायक सुबोध राय समेत काफ़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और लोगों ने शहीद के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में भैरखुर्द पंचायत के मुखिया चंदन कुमार ने शहीद के माता पिता और अतिथियों का स्वागत बुके एवं अंगवस्त्र देकर किया। वहीं इस दौरान आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले स्कूली बच्चों को अतिथियों के द्वारा शील्ड और कॉपी कलम देकर पुरस्कृत किया गया। मौके पर पंचायत के बुद्धिजीवी, छात्र छात्राएँ और उनके अभिभावक मौजूद थे। अमर शहीदों का संसार लिखा, जिसमें हमारे देश जिले के देश के जितने फ्रीडम फाइटर और देश की सरहद पर शहीद हो गए और हमारे पुलिसकर्मी शहीद हो गए, उनकी जीवन गाथा मैंने लिखा। और हमारे यहाँ के अमर शहीद नीलेश नयन जी का भी दो पेजों में इस पुस्तिका में उनका शहादत लिखा। और आगे भी प्रयास जारी है कि हमारे जितने भी जानकारी होगी उन शहीदों की गाथा मैं लिखूँगा। इसी तरह कि हमारे इस पुस्तक को पढ़ने से युवा प्रेरी में देशभक्ति की भावना जगेगी और देशभक्ति के प्रति लगे रहेंगे। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। मेरा नाम सिंधु कुमारी है, मैं भागलपुर की बड़ी पोस्ट ऑफिस की रहने वाली हूँ। मैं चीनी से 3 साल से बहुत परेशान थी, तो कभी अंग्रेजी दवाई खाते थे, कभी छोड़ते थे, लेकिन घटने का तो नाम ही नहीं ले रहा था, बढ़ ही रहा था। तो हमको YouTube के माध्यम से डॉक्टर ए के राय का पता चला, तो उन्हीं के कंसर्निंग में हम आए और दवाई 1 सप्ताह खाने के बाद हमारा शुगर लेवल जो है डाउन होना स्टार्ट हो गया। 1 में हमको शुगर हुआ था, अब मैं शिक्षिका थी, और 1 में जैसे ही 2021 में रिटायर किए हम, वैसे मई में हमको कोरोना चीनी स्टार्ट हो गया। और तब से आम का सीजन जब आता था तो तरस जाते थे आम खाने के लिए, कभी आम खाए भी नहीं। इस बार जब इनका दवाई हम खाए तो आम भी अच्छा से भरपूर खा रहे हैं, और उसके बाद शुगर लेवल तो जितना बार भी कराए सब दिन हमारा डाउन 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 हो। मेरा रोटी चावल आम जो भी मतलब खाने का रहता सारा चीज खा के उसके बाद हम जांच कराए, तो क्या कहता है, मेरा 2 घंटा बाद जांच कराए, मेरा रिपोर्ट 143 आया। और दवाई टोटल बंद है, 15-20 रोज से दवाई हम नहीं खा रही हूँ। वैसे मतलब खाना पीना जैसे रूटीन चलता है चलाए, उसके बाद जांच कराए तो 143 मेरा आया, मैं खुश हूँ। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बुधवार को सामाजिक सांस्कृतिक संस्था समवेत और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन की ओर से समरणालय स्थित पटेल चौक से बालिकाओं की साइकिल रैली निकाली गई। रैली को समवेत की अध्यक्ष छाया पांडे ने रवाना किया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में बालिकाओं के अधिकार की वकालत हो रही है, कि दूसरी ओर पितृसत्ता द्वारा स्थापित सामाजिक मापदंडों, परंपराओं एवं लैंगिक भेदभाव के कारण उनके विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसको लेकर संस्था की वर्षा ने कहा कि हम सभी को लड़कियों के समुचित पोषण, शिक्षा एवं स्वास्थ्य की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी, जिससे उन्हें भी नेतृत्व एवं भागीदारी के समान अवसर मिल सकें। साइकिल रैली पटेल चौक से निकलकर नगर निगम कार्यालय पहुंची, जहां 5 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन नगर आयुक्त को सौंपा गया। वहीं नगर आयुक्त को सौंपे गए मांग पत्र में स्मार्ट सिटी के तर्ज पर भागलपुर में भी स्कूल, कॉलेज एवं आसपास के इलाकों में इमरजेंसी कॉल बॉक्स लगाने, हर विद्यालय में यौन शोषण या मानसिक शोषण को लेकर कंप्लेंट कमेटी गठित करने और सभी विद्यालयों में 1 काउंसलर की नियुक्ति करने की मांग की गई है।
साथ ही कई अन्य मांगें भी ज्ञापन में शामिल है। इधर संस्था की ओर से परीक्षा केंद्रों पर लड़कियों एवं महिलाओं के लिए चलंत शौचालय, पेयजल, सैनिटरी पैड, वेंडिंग मशीन लगाने की मांग की गई है। मौके पर संवेद के निर्देशक विक्रम परमानंद झा, रिमझिम शिवानी समेत काफी संख्या में बालिकाएं मौजूद रहीं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बुधवार को नाथनगर व्यायाम कला केंद्र में उत्कृष्णी संस्था की ओर से बालिका सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष संजय कुमार झा समेत कई बुद्धिजीवियों और अतिथियों ने विश्व बालिका दिवस के महत्व पर अपनी अपनी बातें रखी। वहीं कार्यक्रम में महिला के सम्मान, अधिकार और सामाजिक भागीदारी को लेकर भी वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखते हुए कहा कि उत्कृष्णी संस्था द्वारा इस तरह का कार्यक्रम सराहनीय है जिसके माध्यम से बच्चियों को सम्मानित किया गया। साथ ही वक्ताओं ने कहा कि हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी क्षमता को साबित कर रही हैं जो देश के लिए सकारात्मक संदेश है। मौके पर मधुसूदन झा, अभय वर्मन, शारजानंद मिश्र, मंजीत झा, रक्षांजलि रश्मि, भारती समेत काफ़ी संख्या में बालिकाएं मौजूद थी।